अभी हम बनाने जा रहे हैं चीजी पेसनेट मसाला। सबसे पहले हम गैस चालू करते हैं, थोड़ा पॉइंट डाल देते हैं, उसके बाद में लहसुन चाहिए, लहसुन के साथ में जीरा, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची, बराबर भरे थोड़ा लाल मिर्ची चीजी कैसेडेंट मसाला जो बनाए थे हमने, अभी उसको थोड़ा सा हम चेक करते हैं कैसा बनाए। अभी चेक करने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा भाई कैसा अच्छा बनाए या ख़राब बनाए, थोड़ा चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बनाने ऊपर डिपेंड होता है, जैसे आपने भी जो मैंने मेटेरियल लिया कोई इसके हिसाब से अगर घर पर रेडी करना हो तो उसमें भी रेसिपी दे सकते। आप ये वीडियो देख के थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर दूसरा नया नया वीडियो आपके साथ में हम नया नया सब्जी का वीडियो जो बनाएंगे तो दूसरी बार आपको इसके बारे में रेस्टोरेंट देंगे। अगर आपको अगर कोई सब्जी की चूज है ऐसी तो आप एक काम कीजिए, मेरे जो कमेंट बॉक्स में आप सब्जी का नाम लिख के आप कमेंट भी कर सकते हैं और उसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप कलर बता सकते हैं ये सब्जी के कलर में जाएंगे, किसी इसकी रेसिपी बताने के लिए बनेंगे तो भी हम कमेंट में आपको रेसिपी बता के देंगे। अभी लास्ट इसका चेक करते कैसे आ सकता है। हाँ, एक नंबर सब्जी बन गया, हम एक नंबर सब्जी, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। आप एक बार चेक कीजिए, थोड़ा बना के ट्राई कीजिए तो फिर बाद में आपको रोज में खाने को खाने में बहुत मज़ा आया। सब्जी का नाम, सब्जी का नाम, सब्जी का नाम, इसका नाम चीजी कैसेनेट मसाला, इसका नाम चीजी कैसेनेट मसाला है। आप दूसरी बार काजू फ्राई काजू होता है अंदर, और इसमें क्या होता है, चीजी कैसेनेट जो होता है काजू को, काजू को हम बेसन में कोटिंग करके फ्राई करते हैं, फ्राई करके फिर बाद में उसको मसाला में मिक्स करके बनाते हैं, उसको बोलते हैं चीजी कैसेनेट मसाला। लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
लाइक करना, शेयर करना, घंटी को टिंग करके दबाना।